कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आकाश चौरसिया अपनी टीम के साथ पहुंचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारीगढ़। स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी के लिए ठहराया विधायक राजेश प्रजापति को जिम्मेदार। छतरपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारीगढ़ का नाम पिछले कुछ समय से चर्चा में बना हुआ है। अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों की अनियमितता की लगातार खबरें सामने आती रही। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष आकाश चौरसिया जिला महासचिव अरविंद नेहरवार अपनी पूरी टीम के साथ अचानक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारीगढ़ पहुंचे और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टरों चारू चौरसिया और अमित राजपूत से बातचीत कर पूरी जानकारी ली। बीते रोज पहले सड़क दुर्घटना में किशोर के घायल हो जाने के बाद संजीवनी 108 का चालक मौके पर नहीं पहुंचा और ज्यादा विलंब होने से जिला अस्पताल जाते समय किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद नगर की जनता में रोष व्याप्त था। डॉक्टरों ने बताया कि विधायक ने जो एम्बुलेंस दी उसका किराया ज्यादा और चालक भी उपस्थित नहीं है। दूसरी एम्बुलेंस 108 में मात्र एक ही चालक है, जबकि शासन से दो चालक निर्देशित है। स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ANM और दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की भी जानकारी डॉक्टरों ने दी। आकाश चौरसिया ने बताया कि विधायक राजेश प्रजापति लगातार बारीगढ़ क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं और उनकी कथनी करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि 40 से 50,000 की आबादी वाले क्षेत्र में लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की जा रही, लेकिन क्षेत्रीय विधायक और सांसद महोदय की उदासीनता से बारीगढ़ क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन नहीं हो रहा। आपको बता दें कि पिछले साल 48 डिग्री के टेम्परेचर में युवाओं द्वारा अनशन करने के पश्चात ही संजीवनी 108 नगर में आई थी। सेकेंड पायलट की आवश्यकता है हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में जो संजीवनी है, और दूसरा बिंदु दवाइयाँ समय से शासन नहीं दे पा रही, और तीसरा बिंदु ये है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। विधायक जी से, आदरणीय CM साहब से, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, आदरणीय कलेक्टर जी से इनसे हम निवेदन करेंगे और ज्ञापन के माध्यम पत्र लिखेंगे कि हमारे गांव की अस्पताल में अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं की जाएं, और इतनी सी जो भी प्राइमरी सुविधाएं हैं, छोटी छोटी सुविधाएं से वंचित रहते हैं मरीज, लपकुश नगर या महोबा जाना पड़ता है, वो यहीं मुहैया कराई जाएं। लगभग 40 से 50,000 ग्रामीण जनता, जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है बुंदेलखंड का छतरपुर जिला, और ये बारीगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो पिछले कई समय से नगर की युवाओं द्वारा, आम जनता द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की जा रही है ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए आप क्या आगे मांग रखेंगे? आगे हम अभी पिछले साल से हम मांग रख रहे हैं, और सभी लोग अनशन में बैठे थे और सभी को देखने को भी मिला। संजीवनी सभी साथियों की देन है। हमारे साथी रूपेंद्र यादव ने मुहिम शुरुआत की थी, अरविंद भाई ने शुरुआत की थी, सब लोगों ने साथ दिया था।